बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 128वीं जयंती समारोह मनाया जा रहा है। इस दौरान बृजेश कुमार भारती महामंत्री द्वारा कहा गया कि जो बाबा साहब द्वारा वोट डालने का प्रावधान है, हम सब उसको वोट देंगे जो एक समानता की सरकार बनाएगा, जो सबके लिए देश के विकास की बात करेगा, हमारा वोट उसी को मिलेगा। वाराणसी से अभिषेक बृजेश कुमार भारती, मेरा बौद्धिक नाम मेघांकर है। और जय जी, आज अंबेडकर जी की 128वीं जयंती है, किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं और सेलिब्रेट के साथ साथ संकल्प क्या लिया आप लोगों? आज बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 128वीं जयंती है और ये जयंती जो है बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए और हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 2000 मतलब ये इलेक्शन जो लोकसभा का हो रहा है और बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हम लोगों को वोट डालने का जो राइट दिया और सरकार बनाने का यानी शासक बनने का जो अवसर दिए, ये अवसर हम लोग के लिए जो है बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिए और हम लोग का संकल्प है कि हम लोग इस अवसर का इस्तेमाल करते हुए, अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल करते हुए, हम इस देश में समतामूलक और जो समानता के ऊपर जो सरकार बनाए, जो सबके साथ न्याय करे, सबके हित की बात करे और बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो इस देश इस पूरे राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र देखना चाहते थे, इसमें उन जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए उसको हम लोग जो है सपोर्ट करने का काम करेंगे, अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल करेंगे।